ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा पैटर्न का लास्ट लेक्चर है और हमारा पैटर्न हम स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको कि ये पैटर्न आपको कैसे प्रिंट कराना है। तो क्लास मुझे आप लोग हेल्प करो, ये बताइए ये लूप जो स्टार्ट होगा आप कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा। लूप आपका जो रो लूप है कहाँ स्टार्ट होगा? आई इक्वल्स टू क्लास, वन मैं सिक्स अपर फाइव ट्रायंगल की बात करो, कहाँ स्टार्ट होगा? वन 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 सेकेंड। वन सिक्स और कहाँ तक जाएगा? कंडीशन कहाँ, कंडीशन कहाँ हाई तक जाएगा? फोर 5 तक। बिकॉज आप देखो यहाँ फाइव पे आपका जो लोअर ट्रायंगल 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये 6 होता तो यहाँ पे 6 हो जाता और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई प्लस प्लस। ठीक है क्लास, ये मेरे तो क्लियर हो गया रो। अच्छा यहाँ पे उसका मुझे नेक्स्ट टाइम मैंने बताया था आपको स्पेस प्रिंट कराना रहता है, तो यहाँ पे बताओ मुझे स्पेस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कि इंक्रीमेंट में? कम हो रहा है डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट तो ये आपका 40 है, कम ये हो रहा आपका हो जाएगा, हाँ ये आपका 39, ये आपका हो जाएगा 38। सपोज अगर आप 40 स्पेस लेते हो, दिस इज 37 एंड सो ऑन। तो ये क्लियर है कि स्पेस इज डिक्रीमेंटिंग, तो ये क्लियर है कि आपका एक लूप चलेगा रो के लिए। अच्छा मुझे कॉलम लूप बताओ क्या हो जाएगा आपका? के लूप जो होगा कॉलम लूप, आप कहाँ स्टार्ट करोगे? के इक्वल्स टू 1 से लेके क्लास, के लेस देन क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट प्लस आई लेस देन इक्वल टू आई क्यों होगा? बिकॉज आप देखो फर्स्ट टाइम आप जब लूप चलाओगे वहां पे वन आपको वन स्टेट साइन प्रिंट करना जो कि आई की वैल्यू है। नेक्स्ट टाइम जो लूप चलेगा वहां पे मुझे 2 एस्टिक साइन प्रिंट करना है, दैट इज जो आई की वैल्यू है। आई एम आई आपका नेक्स्ट टाइम सेकंड लूप में आपका आई की वैल्यू 2 होगी। तो ये तो क्लियर है कि जो आपको लूप जो चलेगा आई टाइम तक लूप चलेगा और ये हो जाएगा के प्लस प्लस क्लास। आई होप दिस इज क्लियर। ओके तो एक बार हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रोग्राम का नाम क्या था, किसी को आइडिया है क्या? पैटर्न 4 था क्या? यस फाइव सर पैटर्न क्या था? फाइव ओके डॉट सी ओके फाइव पैटर्न डॉट सी ओके पैटर्न 5 ये है हमारा। ये हमने शायद किया था एक बार तेरे रंग का, अगर सेम प्रोग्राम है तो। नो 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 आपका लूप स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, स्पेस ले लिया, स्पेस हमारा कम हो रहा है। ओके क्या था यहाँ पे पैटर्न स्पेस यहाँ पे था क्या? स्पेस सर स्पेस माइनस माइनस टू हाँ था ये क्या था, स्पेस माइनस माइनस कर लो यहाँ पे गड़बड़ था। हाँ ये था ठीक है। तो ये अपर ट्रायंगल हो चुका है, अब मुझे सेम प्रोग्राम बनाना है आपको लोअर ट्रायंगल के लिए। तो आपको यहाँ पे कमेंट कर लो दिस इज फॉर अपर ट्रायंगल। अच्छा क्लास एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे मैं स्पेस 2 यहाँ पे ले रहा हूँ, आप सेम कर ऐसा ले सकते हो सेम स्टेटमेंट को। और यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए, ये समझ कब आएगा? जब आप प्रोग्राम को रन करके देखोगे, अदरवाइज समझ नहीं आने वाला कि मैंने स्पेस यहाँ पे 2 क्यों ले लिया। बिकॉज आप जब तक इसको आप रन करके नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ आने वाला मैं 2 स्पेस क्यों लिया। बिकॉज इसको आप तो वहां पे जैसे आप रन माइनस करोगे, आएगा अच्छा ना, माइनस आएगा। मैंने माना ओके ओके माइनस हुआ ओके। तो ये मेरा अपर ट्रायंगल हो गया ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है मुझे बताओ आप लोग, एक सेकेंड। ये हो जाएगा आपका लोअर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल के लिए। ओके तो आप मुझे बताओ आप लोग क्या रो के लिए क्या चले? आई इक्वल्स टू 1 से लेके यही होगा क्लास, क्या होगा ये आपका लोअर आई ट्रायंगल होगा? इक्वल्स टू फोर हाँ आई वेरी गुड, ठीक है परफेक्ट होगा, इक्वल वेरी गुड। मैं वही बोल रहा हूँ, आई कुछ कितना हो जाएगा? 4। टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन लूप कब तक वन चलेगा? वन चलेगा लूप हमारा 1 तक, ये लूप 1 तक चलेगा, उसके बाद आई माइनस माइनस। ये तो क्लियर हो गया है ना? तो ये आपका जो रो का आपका जो है लूप है वो आपको चलेगा आपका 4 से स्टार्ट होगा, और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 1 एंड आई माइनस माइनस, ये हमारा रोज के लिए। ओके ओके अभी मुझे बताओ आप लोग ये जो स्पेस है इसमें इसमें स्पेस होगा वो स्पेस कितना हो रहा है यहाँ पे क्लास, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इंक्रीमेंट लेकिन आप ये ध्यान बढ़ रखो, रहे ध्यान रखो जब मैं ये इंक्रीमेंट पैटर्न प्रिंट कराऊंगा क्लास, जब मैं अपर ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करूँ मेरे स्पेस अभी मेरा यहाँ पर है, मेरा कर्सर यहाँ पर है,
लेकिन आपको ऑब्वियसली बेटा ये मुझे, हाँ ये मुझे, मुझे ये प्रिंट कराना है, यहाँ पे मुझे एस्ट्रिक साइन प्रिंट कराना है, तो मुझे एक बार यहाँ मूव करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ तक मूव करना पड़ेगा क्लास सेकंड टाइम। तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ध्यान दो, जब प्रोग्राम को आप बनाओगे आपको यहाँ पे स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मैं एक बार स्पेस को छोड़ता हूँ, अभी स्पेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखो, सपोज स्पेस आपका अगर यहाँ पे सपोज सपोज यहाँ पे 37 है, सपोज 37 है, तो नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 38 39, मतलब ये तो पता है कि स्पेस आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है क्लास, क्लियर है? यस सर, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू स्पेस एंड जे प्लस प्लस। ये लूप किसके लिए क्लास, स्पेस के लिए। और यहां पे आप क्या करो, प्रिंट एप स्पेस, मैंने प्रिंट करा लिया, उसके बाद स्पेस क्या हो रहा है यहाँ पे क्लास, स्पेस क्या हो रहा है बेटा, स्पेस प्लस प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है सर। गुड, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, फॉर आपका लूप कितनी बार चलेगा, कितना टाइम चलेगा, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर आपने 4 से स्टार्ट किया है तो पहले बार मुझे कितना प्रिंट कराना है, 4 स्टार ही प्रिंट कराना है, मतलब आपका लूप कितने चार चलेगा, आई तक, आई तक। हाँ, तो के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू आई एंड के प्लस प्लस, ये आपका कॉलम के लिए। एक सेकेंड, कॉलम्स के लिए। और यहाँ पे क्या करो आपको, प्रिंट एफ स्पेस एस्ट्रिक साइन, यहाँ पे क्या करें क्लास, यहाँ पे क्या करें, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, गुड न्यू लाइन, ओके। अब एक बार देख लेते हैं और कुछ चीजें बचा है क्या, एक बार देखते हैं प्रोग्राम रन कराते हैं, फिर मैं आपको प्लस टू, हाँ हाँ होगा होगा, मैं वही बता रहा हूँ, अभी रन करके देखते हैं, ठीक है, गुड। तो ये प्रोग्राम आप देखो बेटा, यहाँ पे स्पेस पहले तो ट्रायंगल परफेक्ट नहीं आ रहा, नीचे का ट्रायंगल है ना, नीचे का ट्रायंगल परफेक्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेस इक्वल टू स्पेस प्लस टू, हाँ स्पेस प्लस टू, बिकॉज मुझे आगे उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, स्पेस को आगे प्रिंट करने के लिए। तो ये परफेक्ट ट्रायंगल तो परफेक्ट हो गया, बट आप ध्यान दो जो सबसे नीचे जो ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल जो पहला जो एस्ट्रिक साइन है वो आपको देखो, आपको मुझे स्पेस आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज जब आपका पहला लूप खत्म होता है उसके बाद आपका स्पेस, आपको याद है मैंने बताया था आपको, जब आपको पहला लूप कंप्लीट होता है आपका स्पेस यहाँ पर है क्लास, यहाँ पे स्पेस अब यहाँ पर है क्लास। यस सर, यस सर, यस सर, मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ, अभी आपका स्पेस यहाँ पर है इस जगह पे, लेकिन आपको ये जो एस्ट्रिक्स है मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे कितना स्पेस बनाना पड़ेगा, टू स्पेस, आ रहा समझ? तो आप जब प्रोग्राम आप रन करोगे लोअर ट्रायंगल के पहले आप क्या करोगे, स्पेस इक्वल्स टू स्पेस प्लस टू, सो दैट हमारे स्पेस एक दो आगे बढ़ जाए, नहीं एक और करना पड़ेगा ना, थ्री टाइम्स, थ्री करना पड़ेगा, एक स्पेस और देख लेते हैं, नहीं फोर टाइम आ रहा है क्या, किसने बनाया था क्या फोर टाइम्स के लिए, सर थ्री पे आ गया था मेरा। अच्छा ठीक है ना, आप उस पर बताया ना, ये इस पे भी डिपेंड करता है बेटा, यहाँ पर भी डिपेंड करता है, यहाँ पे स्पेस आपने कितना लिया, यहाँ पे स्पेस कितना लिया, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम जब बनाते हो आपको समझ आना चाहिए स्पेस कहाँ, जब तक आप इसको ड्राई रन नहीं कराओगे, आप कॉपी में रन करा के नहीं देखोगे एक एक स्पेस को भी वैल्यू, तब तक आपको समझ नहीं आने वाली। तो यहाँ पे देखो मैंने हिट एंड ट्रायल ही लगाया है, मैं पहले टू लिया फिर थ्री लिया फिर फोर लिया, फोर में परफेक्ट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं स्पेस बढ़ाऊंगा या यहाँ पे स्पेस चेंज करो तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी स्पेस के। तो कोई भी आप एक पैटर्न फॉलो करो प्रोग्राम के बाद, रन करा के देखो आप लोग क्लास घर पे, तो आपको समझ आएगा कि प्रोग्राम यहाँ पे स्पेस फोर क्यों लग रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो, मेरे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो वहां पे अगर स्पेस आपका यहाँ पर कहीं पर है, मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हो सकता है यहाँ पे तीन स्पेस लगे, हो सकता है कि अगर यहाँ पे मैंने स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया तो यहाँ पे आपको चार भी लगे क्लास, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। तो आप एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप लोग जब प्रोग्राम बनाओगे तो पैटर्न सेम रखना, कोई भी आपका प्रोग्राम जो है कोई भी आपको सिस्टम या मॉनिटर लेके चेक नहीं करेगा कि हाँ भाई ये प्रोग्राम आपका आउटपुट चेक नहीं करेगा, आपको प्रोग्राम कॉपी में ही चेक करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे आपको लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है, स्पेस एक दो आगे पीछे होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर, पैटर्न क्लियर है? Yes, sir. और एक असाइनमेंट आप लोग बनाओगे है ना, कौन सा प्रोग्राम मैंने बताया था आप लोग,
ये पैटर्न आप लोग बना के देना, कौन सा पैटर्न, इसका जस्ट अपोजिट वाला, बन जाएगा सबसे, ट्राई करो ना। यस यस सर, यस सर, यस सर, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है, ये पैटर्न, ये आप लोग टू पार्ट में डिवाइड करके। अच्छा, और अगर एग्जामिनेशन में डायमंड प्रॉब्लम आ गया तो डायमंड बना लोगे फिर इसी को प्लस, यस सर, है ना, इसको डायमंड बना लेना, कैसे होगा आपका यहाँ पे, ये जो होगा आप इसी को चाहो तो आप दोनों को एक साथ अटैच कर दो, तो इसी पे आप डायमंड बना सकते हो, थोड़ा जो भी आपको थोड़ा स्टेप देख लो, समझ आ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको बनाना है, आना चाहिए। तो क्लास आई होप पैटर्न का प्रोग्राम समझ आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं, उनको डाउट था, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, एक पैटर्न आपको मैं दे रहा हूँ, आज आप लोग हेल्प करो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है, आप मुझे हेल्प करना, 9 10 11 12, काम आप इस पर, ये भी थोड़ा आगे, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा सबसे, प्लस यस सर, बन जाएगा, यस सर, सर इसमें यहाँ पे, यहाँ पे 10, यहाँ पे बोलो, हाँ सर वही बोल रहा था कि नहीं हुआ तो क्या मेरे, बन जाएगा सर। अच्छा अभी आप पे ध्यान दो, सबसे जब एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आएगा तो ये पता नहीं कि पैटर्न क्या, हमारा पैटर्न ये है, पैटर्न हमारे जा रहे हैं ना सर, तो आप यहाँ पे ध्यान, अब यहाँ पे मुझे बताओ आप लोग, आई जो आपका रो है, आई को उसको क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर चलेगा कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 1 2 3 4 लूप चलेगा, आ समझ, एन आई प्लस प्लस, सॉरी सॉरी 5 होगा ना सर, 5 तक, ये 15 तक, ओके, तो आपका लूप चलेगा 5 तक और आई प्लस प्लस, ये तो क्लियर हो गया। और आपको यहाँ पे स्पेस लगेगा क्या, अगर आप यहाँ पे अगर स्पेस लेते हो, अगर यहाँ पे पैटर्न अगर एग्जामिनेशन में ऐसा आ गया कि आपका ये अपर स्क्रीन है और आपको ये पैटर्न जो है अगर यहाँ से कराना है तो स्पेस आएगा नहीं आएगा, सर आएगा, स्पेस आएगा सर, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा आ गया फिर स्पेस आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये का आप स्पेस को जीरो कर लेना, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्पेस को जीरो जीरो करना, अगर इमेजिन करो अगर आपका पैटर्न ऐसा आ गया, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, समझ आ रहा है क्लास, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे स्पेस कम ज्यादा नहीं करना है आपको, एग्जैक्ट याद है माइनस माइनस से प्लस प्लस नहीं करना स्पेस को नीचे, क्लियर है? यस सर। तो अभी प्रोग्राम बनाते हैं, आप मुझे हेल्प करना, ठीक है, प्रोग्राम बनाओ, मुझे हेल्प करो, नया प्रोग्राम बनाते हैं, पैटर्न सबको समझ आ गया, फाइल को सेव कर, पहले सेव एज पैटर्न 6.c, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन, व्हाट इज फर्स्ट लाइन प्लस, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, एक सेकंड यार, उसके बाद है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्लास, क्या करें, आपको स्पेस भी यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है, ए के और यहाँ पे स्पेस ले ले, एक कॉमन पैटर्न यूज करो ना आप लोग, है ना, मैं स्पेस आपको 30 देता हूँ, ठीक है, clrscr, ओके, प्रिंट एफ, सॉरी सॉरी प्रिंट एफ नहीं, क्या करें, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस, दिस इज फॉर रोज, ठीक है, ओके, आफ्टर दैट प्लस बताइए स्पेस वाला आएगा, j = 1, j less than or equals to space and
जे प्लस प्लस, ये आपका स्पेस के लिए हो गया। आपके स्पेस कितना चलेगा? स्पेस कॉमन है ना, यहाँ पे स्पेस माइनस माइनस होगा प्लस होगा? कुछ नहीं होगा सर, कांस्टेंट। अच्छा कुछ नहीं होगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सब आपके क्लियर है ना सबको? कम ज्यादा नहीं करना बिकॉज वो कांस्टेंट रहेगा। ओके गुड। अब क्या करना है क्लास बताओ मुझे। फॉर के इक्वल्स टू वन, के लेस इक्वल्स टू आई के प्लस। अच्छा अब यहाँ पर मुझे बताओ प्रिंट है यहाँ पे क्या लिखे मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं कर। ओके परसेंट डी, और आगे क्या लिखे? आई आई से लेंगे, आई से लेंगे। आप पक्का सोचो आई की वैल्यू कितना है आपका? यहाँ पे आई कितना होगा? अगर आप आई लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन, हो जाएगा वन टू, हो जाएगा सॉरी सॉरी आई में क्या हो जाएगा? हाँ वन टू के लेंगे सर, के लेंगे थ्री। ओके के लेके देखें आप बताओ, के ले बेटा, के की वैल्यू भी क्या हो गया? वन दूसरा वेरिएबल। वेरी गुड, वेरिएबल लेना पड़ेगा सर, वेरी गुड, एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। आ रहा समझ मैं? चलो आप आई और के लेके देखता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पे क्या करें हम लोग, प्रिंट है स्लैश यूज होगा ना। आप लोग कुछ बच्चे गेट से तो ला, इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिखता, आपको पता है? एक सेकंड, ये पैटर्न पैटर्न से प्रिंट हो रहा है तो क्लियर हो गया। स्पेस तो ले लो, यहाँ पे टू के स्पेस ले लिया चलेगा? Yes, ऐसा कर सकते हो ना, ऐसा कर सकते हैं? Yes, तो थ्री स्पेस ले लूंगा तो ये थोड़ा और स्पेस अच्छा सा आ गया है ना। आप एक काम करो फोर कर ले लो ताकि थोड़ा अभी क्लियर है। Yes, sir. अच्छा तो मुझे बताओ, ये तो क्लियर है कि के नहीं आएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं आई लेके देखते हैं, तो आई में क्या प्रिंट होगा? वन टू, समझ आ रहा है ना, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर मैं जे लेता हूँ, जे भी नहीं होगा इसमें, जे की वैल्यू कितना होगा? ये आपका लूप पूरा चलेगा, जे आपको चलेगा वो 30 तक चलेगा, जे आपका देखो क्या होगा 31, क्योंकि 31 लूप कैसे 31 हो गया, कंडीशन फॉल्स होता चलता है 31, जे की वैल्यू 31 हो गई है। क्लास आ रहा है समझ? Yes. Yes, sir. हाँ अपन एक काम करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आई जे और के तो होगा नहीं, तो मैं काम करता हूँ एक नया वेरिएबल ले लो। क्या ले लो बेटा यहाँ पे? नया वेरिएबल ले लो, लाइक टेम्पररी वेरिएबल ले लो, और इसकी वैल्यू का अपने स्लाइस कर लो वन से। इस टाइप के प्रोग्राम में ऐसे करना है आपको, और यहाँ पे जो वैल्यू आप जो प्रिंट करा रहे हो किसको वैल्यू प्रिंट कराओ? टेम की वैल्यू। और अगली बार यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका टेम की वैल्यू क्या है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, वन टू थ्री फोर कहीं पर रुक नहीं रहा है। तो आप एक काम करोगे यहाँ पे, आप क्या करो टेम को जैसे आपने प्रिंट कराया, अगली बार जब होगा तो आप क्या करो टेम प्लस प्लस का। वेरी गुड वेरी गुड, आ गया आंसर आ गया प्लस? यस सर, यस सर, है ना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा चलो, हाँ अगर मैं काम, हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट किसी को? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको अगर इमेजिन करो ये प्रोग्राम मेरा, यहाँ पे ध्यान दो, टाइम है अपने पास, एक सेकंड। ओके क्लास, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव क्लास, हाउ मेनी वेरिएबल्स? फाइव है ना। ओके आई जे के स्पेस और टेम, ठीक है। अभी आप ध्यान आपका, ये आपका होगा एक सेकंड, पहला आपका है आई, के बाद आपको जे, फिर आपका है के, उसके बाद आपका स्पेस, और यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे
टेम्पररी वेरिएबल ले लो कोई भी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आई जे की स्पेस की वैल्यू डिफाइंड है कितना अभी 30 है, और टेम मैंने 1 क्यों लिया अभी बता रहा हूँ, 1 क्यों लिया अभी सर, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, आई इक्वल्स टू कितना हो गया क्लास, आई इक्वल्स टू कितना हो गया 1, तो आई आपका हो गया 1, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्लास स्क्रीन विजिबल है ना मेरा, मतलब प्रिंट आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक सेकंड। यस सर। यस सर। देखो आई आपका 5, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाओ, ये 1 से लेके स्पेस, स्पेस की वैल्यू कितना आपका क्लास 30 है, तो ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, इसमें आउटपुट स्क्रीन, और आपका इमेजिन करो यहां से यहां तक 30 स्पेस है, 30 स्पेस प्रिंट किया। आप ध्यान यहां पे j = 1 होके क्या कब तक लूप चलेगा, जब तक स्पेस की वैल्यू बराबर ना हो जाए, जैसे आपका j 31 हो गया कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्लास आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट सर। यहां तक मैंने स्पेस प्रिंट 30 स्पेस प्रिंट कर लिया, जैसे 30 का जी कंडीशन फॉल्स है तब तक आपका इतना 30 स्पेस आपका यहां पे प्रिंट हो गया, जो स्पेस आपका 30 स्पेस हो गया। उसके बाद ध्यान दो यहां पे फिर से मैंने क्या किया, k इक्वल्स टू 1, तो आपकी की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन और इक्वल्स टू i, i की वैल्यू आपका 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू और फॉल्स? क्लास रिस्पॉन्स कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू सर। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस अभी आ रही है सर, बीच पे लग रहा है, बीच में लैग वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आ रही, अभी आ रही, क्लियर है? यस सर। तो अभी यहाँ पे जब आई सॉरी 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने 3 स्पेस और ले लिया है। अब यहाँ पे देखो ये 30 बाद 1 2 3, उसके बाद क्या प्रिंट कराएगा, टेम्प की वैल्यू, व्हाट इज टेम्प की वैल्यू क्लास, व्हाट इज टेम्प की वैल्यू? 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद टेम्प प्लस प्लस, टेम्प अभी कितना हो गया, अभी 1 था, कितना हो गया क्लास? 2। कितना हो गया? ये हो गया आपका 2। टेम्प हो गया आपका 2। उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा कंट्रोल, कहाँ जाएगा कंट्रोल, कहाँ जाएगा? K plus plus, तो K becomes 2, 2 less than or equals to 1, condition true or false? False. यहाँ पे हो जाएगा, for loop terminate हो जाएगा, अभी आना जाएगा slash n, new line पे आ गया, तो हमारा control हमारा नीचे आ गया, यहाँ नीचे control आ गया, उसके बाद यहाँ कहाँ जाएगा control? I++, now I becomes 2. 2 less than or equals to 5, condition true है, फिर से अंदर आ जाओ, देखो j equals to 1 से लेके space आपका कितना 30 है, constant है, तो ये आपका फिर से space print करेगा 30 space यहाँ तक का, फिर जैसे 31 हो गया, j equals 31 हुआ, condition false जाएगा, फिर से नीचे आ जाओ, फिर से क्या हो जाएगा, k equals to 1, k आपका हो गया फिर से आपका 1, k becomes 1, 1 less than or equals to 2, condition true है, क्योंकि एक जो है छोटा है 2 से, फिर क्या प्रिंट किया उसने, 3 स्पेस दे के क्या प्रिंट किया क्लास, क्या प्रिंट किया, टेम्प की वैल्यू, अब टेम्प की वैल्यू कितना हो चुका है 2, फिर हो जाएगा टेम्प प्लस प्लस, नाउ टेम्प बिकम्स 3, फिर जाएगा के प्लस प्लस, के कितना हो जाएगा, के कितना हो जाएगा, अभी के हो जाएगा आपका 2, 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2 कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आ जाओ, फिर उसने क्या किया, 3 स्पेस दिया, और यहां पे क्या प्रिंट कर रहा है, टेम्प की वैल्यू, टेम्प की वैल्यू आपका कितना, आपका 3, फिर टेम्प प्लस प्लस, अभी टेम्प कितना हो गया 4 हो गया, टेम्प आपका 4, उसके बाद k प्लस प्लस, नाउ k बिकम्स 3, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू कंडीशन इज फॉल्स, फिर से स्लैश है, नीचे लाइन से आ गया, आ रहा समझ, अभी क्लियर हुआ नवी? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। ओके अच्छा इमेजिन करो मैंने एक प्रोग्राम आपको ऐसा दिया, अभी मुझे अब ऐसे प्रिंट कराना है, मेरा प्रोग्राम अगर एग्जामिनेशन में ऐसा आ गया, A, B, C, D, E, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, बन जाएगा सबसे? Yes, sir. Yes, sir. Temp का वैल्यू 97 प्लस 96 ये हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो ये पैटर्न थोड़ा समझ आ रहा है, तो ये बेटा ध्यान रखो पैटर्न यहाँ पे आई जे और के नहीं यूज होगा, आई जे कब यूज होगा, आई जे के कब यूज होगा बताओगे, जैसे अभी ए आ गया, बी बी
मैंने आपको प्रोग्राम में कराया हुआ है, सी सी डी, यहाँ पे आई होगा कि जे होगा, प्लस आई 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 होगा, शाबाश। अब यहाँ पे इमेजिन करो अगर ऐसा आता प्रोग्राम, ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, अभी क्या होता आई की जे जे जे, शाबाश। तो क्लियर हो रहा है ना सबको, क्लियर है ना कहाँ पे आई कहाँ पे जे और कहाँ पे मुझे टेम्पररी वेरिएबल लेना है, ये तो क्लियर है। जहाँ पे पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो रहा है टेम्पररी वेरिएबल ले लो। टेम की वैल्यू पहले क्या, आपका टेम कितना है आपका क्लास शुरुआत में कितना आपका वन है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या ए की आस्की वैल्यू कितनी होती है 97। तो ऑलरेडी आपके पास वन है तो इसमें क्या ऐड कर दू 96। वेरी गुड शाबाश। तो एक काम करूँ क्या, यहाँ पे परसेंट डी होगा परसेंट सी होगा, परसेंट सी परसेंट सी, और यहाँ पे ऐड कर दो 96, तो ये हो जाएगा आपको रन करा के देखो। आ रहा क्लियर, समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा मुझे अगर कैपिटल आ गया, अगर कैपिटल मुझे प्रिंट करना तो क्या ऐड करूं मैं यहाँ पे 64, तो ये कैपिटल हो गया 64 है ना। तो प्रोग्राम बन जाएगा, ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा। Yes, sir. Okay. तो ये प्रोग्राम आप लोग बनाओगे, एक सेकेंड हाँ, एक और मुझे आपको एक प्रोग्राम बताना था। हाँ, एक पैटर्न पहले सॉल्व करते, टाइम है हमारे पास क्या? हाँ टाइम है, देख लेते हैं। आप लोग मुझे बताना ये कैसे बनेगा, ठीक है? पैटर्न ऐसा है क्लास, कैसे बताएं इसको, एक काम करते हैं, ऐसा पैटर्न है वन वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बन जाएगा सबसे टू सेवन एट नाइन, बन जाएगा क्लास? यस जाएगा, बन जाएगा। अभी हमने जो पैटर्न देखा था बेटा वो ऐसा था, अभी हमने जो देखा है ध्यान रखना, मैं दोनों में कंपैरिजन समझा रहा हूं। वन वन टू, ये देखा था क्या प्रोग्राम ने क्लास? यस सर, हमने प्रोग्राम देखा है ना, मैं करवाया प्रोग्राम, तो याद है आप लोगों को, थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव, दोनों में पैटर्न समझ आ रहा है क्लास? पैटर्न समझ आ रहा है दोनों में? यस सर, इस एस्ट्रिक साइन वाला से किया था ना, जब डायमंड बना रहे थे तब। हाँ हाँ हाँ, तो उसी को आप क्या करना, ए बी, आप यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा लेना, I की वैल्यू प्रिंट करेंगे सर, सॉरी J की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो सर, J नहीं, क्योंकि आप I की वैल्यू कितना होगा, आप अगर I हो यहाँ पे 2 और 2 होगा I की वैल्यू, 3 3 3 4 4 4 5 5 5 अगर I लोगे तो। अब J लोगे ना, कंफ्यूज हो गया था सर, J होगा ना। हाँ अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है आपका पैटर्न, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक बार में पहले रो में वन है, फिर आपका टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, मतलब पहली बार में वन, फिर आपका है टू, फिर थ्री, फिर फोर है, फाइव, तो आपका लूप स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे ध्यान दो, पहले बार में आपका लूप आपका वन है, फिर मुझे नेक्स्ट टाइम आपको थ्री वैल्यू प्रिंट कराना है, वन का थ्री वैल्यू, फिर फाइव वैल्यू, फिर सेवन, फिर नाइन वैल्यू, आ रहा समझ? क्लास? यस सर, प्रॉब्लम समझ आया? तो आप एक मुझे हेल्प करो, ये बताओ लूप आपका कहां से चलेगा, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फाइव, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ये तो क्लियर है कि आपका लूप आई इक्वल्स टू वन से आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव तक चलेगा। क्लास आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर है? मैंने रो को बताया था, यस सर, सेम, आप अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करना, एक ही कॉमन कंसेप्ट यूज करो, अलग अलग चेंज नहीं करना,
ये तो रो का मैंने बता दिया। अभी आप बताओ मुझे स्पेस प्रिंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सर होगा। स्पेस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? सर कम हो रहा है। कम। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं स्पेस यहाँ पे मैं कम कर लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज मुझे बताओ, यहाँ पे जो आपका लूप जो चलेगा, अगर आपका जो फॉर कॉलम का लूप चलेगा, आप क्या चलेगा? k इक्वल्स टू वन। और मुझे यहाँ पे ध्यान दो, पहले बार में मुझे यहाँ पे एक बार में सिंगल वैल्यू, सेकंड टाइम थ्री वैल्यू, थर्ड टाइम फाइव की वैल्यू। तो मुझे बताओ, कोई बताएगा क्या लगाना चाहिए मुझे यहाँ पे? k लेस देन इक्वल्स टू प्लस और एक नया वेरिएबल, एक नया वेरिएबल, या फिर आप ध्यान दो बेटा, जैसे किसी बच्चे ने बोला, सही बोला किसी ने सर, टू आई प्लस वन सर, उसमें आई की वैल्यू डाल देंगे और आई नया वेरिएबल में, माइनस वन करें बेटा, प्लस वन ही, माइनस वन होगा। हाँ सर, माइनस वन। और के प्लस प्लस, गुड, शाबाश। कैसे होगा ध्यान दो, पहली बार में आई की वैल्यू आपका वन है, तो क्या हो जाएगा? टू इंटू वन माइनस वन, मतलब कितना होगा? वन प्लस। ध्यान दो, अगर आई की वैल्यू आपका वन है पहली बार, पहले लूप में आपका देखो आई आपका कितना है लूप में, पहली बार आई आपका वन है, तो के का लूप कितनी बार चलेगा? टू इंटू आई, टू इंटू वन माइनस वन, मतलब एक बार लूप चलेगा। अगली बार जब आपका आई की वैल्यू टू हो रही है, तो आपका लूप कितनी बार चलेगा? टू इंटू टू, मतलब फोर माइनस वन, मतलब कितना लूप चलेगा? थ्री टाइम्स, तीन बार। अगली बार आई आपका थ्री हो गया, तो कितना लूप चलेगा? थ्री, टू इंटू थ्री, सिक्स माइनस वन, कितनी बार चलेगा? फाइव टाइम्स। आ रहा, समझ क्या? प्लस यस सर, यस सर। चलो आप मुझे बताना, एक काम करते हैं, ये प्रोग्राम समझ आया जो अब स्क्रीन में विजिबल है? यस सर। गुड, ओके। मैं इसी में बनाता हूँ, नया लिखना पड़ेगा, इसी में लेता हूँ। क्या करें बताओ, एक आपका आई लगेगा, जे लगेगा, के लगेगा, स्पेस भी लगेगा, ये टेम्प लगेगा क्या? नो सर, देखते लगेगा सर, देखिए उस कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव एंड आई प्लस प्लस। ओके ग्रेट, ये हो जाएगा, ये आपका रो के लिए था, नंबर ऑफ रोज, ये आपका रोज है, ये हो जाएगा आपका फॉर स्पेस, जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू स्पेस J++, ये आपका स्पेस के लिए। उसके बाद क्या क्लास? स्पेस माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस होगा? स्पेस माइनस माइनस माइनस, स्पेस माइनस माइनस, ये तो क्लियर है। यहाँ पे आप प्रिंट करा लो, प्रिंट एफ, आप स्पेस ले लो। ओके, ये क्लियर हो गया आपका लूप। स्पेस से ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। हाँ, देखते ना बेटा, वही बोल रहा हूँ। अभी देखो, मैंने बताया ना, अभी प्रोग्राम को आप रन करें तो अभी समझ आएगा, क्योंकि ये समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कर सकते, करेक्ट बोल रहे हो, गुड, क्योंकि ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, आई एग्री, ठीक है। एक बार देखते हैं, के इक्वल्स टू, के होगा के इक्वल्स टू वन, के लेस देन इक्वल्स टू टू इंटू आई माइनस वन, ये प्लस प्लस। अगर आपको ऑड नंबर प्रिंट कराना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और मैं क्या प्रिंट कराऊँ, इसकी वैल्यू प्रिंट कराना है मुझे, I minus one. Percent दो स्पेस लेते हैं, यहाँ पे किसके वैल्यू ले लूँ? I के की, J के की, K की? J की वैल्यू लगेगी? J. कैसे बोल रहे बेटा आप लोग? J मतलब स्पेस। तो J स्पेस के लिए ना, वो तो अलग है। बोलो। K. I और J तो ठीक होगा। ठीक है। मैं समझाता हूँ क्यों K. हाँ, क्यों के लग रहा है बता रहा हूँ आपको। प्रिंट है, यहाँ पे क्या होगा? स्लैश एंड फॉर न्यू लाइन। गुड, आ रहा समझ? तो यहाँ पे ध्यान दो, पैटर्न थोड़ा सा कैसा हो रहा है, स्टार साइन कराने से पहले मुझे एक स्पेस कम करना पड़ेगा सामने, है ना? तो एक काम करते हैं, इसके बाद एक स्पेस बढ़ा देते हैं कम करने के बाद। नहीं, यहाँ पे कम करना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, एक सेकंड, यहाँ पे स्पेस कम होगा। नहीं, क्या होगा यहाँ पे? स्पेस यहाँ पे एक और माइनस माइनस यहाँ पे करो, यहाँ पे हो जाएगा स्पेस एक। हाँ, ये ठीक है, क्लियर हुआ क्या? दो स्पेस कम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी ये क्या हो रहा है मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा हूँ, फिर समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। क्लियर है क्लास? स्टार्ट करें। यहाँ पे टू स्पेस ले लो चाहो तो, और यहाँ पे आप यहाँ पे दो स्पेस माइनस माइनस ले सकते दो बार। इसी को हम कैसे ले सकते हैं क्लास, कैसे ले सकते हैं? स्पेस माइनस माइनस इक्वल टू टू ओके। हाउ मेनी वेरिएबल्स क्लास, हाउ मेनी वेरिएबल्स? ध्यान से आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है? ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है आपका, CSU2 में दो तीन बार ये पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे समझ नहीं आएगा पूछ सकते हो। आई ये क्या वेरिएबल है आपका, जे ये कौन सा वेरिएबल है आपका, के ये आपका कौन सा है, स्पेस स्पेस मैंने स्लाइस किया 30 से, बाकी सब में गार्बेज वैल्यू अभी, ठीक है? उसके बाद आपका लूप स्टार्ट हो, यहाँ पे ध्यान दो क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखो कि लूप ये आपका आउटर लूप, सबसे आउटर लूप कौन सा आपका, आई लूप आउटर लूप है, उसके आई लूप के अंदर दो लूप और है, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा आई को कितना हो गया, आई को कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये देखो आपका आई कोस्ट हो गया आपका यहाँ पे वन, यहाँ देखो आई कोस्ट टू वन, तो आपका जो आपका आई की वैल्यू कितना होगा, वन। वन लेस देन इक्वल्स टू फाइव, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू, अंदर आ जाओ, फिर क्या हो गया, जे इक्वल्स टू कितना हो गया क्लास, वन वन, वन लेस देन स्पेस, स्पेस आपका 30 है, वन लेस देन 30, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू, तो मेरा एक स्पेस प्रिंट हुआ, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हुआ एक स्पेस, उसके बाद क्या हुआ, जे प्लस प्लस, नाउ जे बिकम्स, नाउ जे बिकम्स उसके बाद जैसे जे इक्वल टू 31 हुआ, 31 लेस देन इक्वल टू 30 स्पेस, समझ रहे, 31 लेस देन इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पेस माइनस माइनस दो, मैंने दो कम कर दिए स्पेस, तो आपके स्पेस के लिए कितना था क्लास, पहले 28 था, वो कितना हो गया 30 था, कितना हो गया अभी 28, ये क्यों 28 है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हो जाएगा k equals to 1, k आपका 1 हो गया, 1 less than equals to 2 into i minus 1, अभी i के लिए कितना आपका 1, 2 into 1 minus 1 कितना हो गया 1, वन, वन लेस देन के की वैल्यू आपका वन है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे देखो दो स्पेस लेके आई किसने के को प्रिंट किया, तो यहाँ पे दो स्पेस होगा फिर से, और उसने के को प्रिंट किया, के की वैल्यू कितना आपका वन प्लस, उसके दो के प्लस प्लस, नाउ के बिकम्स टू, के बिकम्स टू, फिर हो जाएगा के प्लस प्लस हो गया, के बिकम्स टू, अभी हो जाएगा टू इन टू लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू वन है, तो 2 into 1 minus 1 k कितना हो जाएगा 1, आपका k के लिए 2 है, 2 less than equals to 1, condition false, तो हो जाएगा अब एक loop terminate हो जाएगा। क्लास समझ आ रहा है क्या? Yes sir। उसके बाद हो जाएगा ये slash n, तो नीचे लाइन से मेरा स्लैश n आ गया, उसके बाद हो जाएगा फिर से बेटा i plus plus, now i becomes, i becomes, i becomes 2, 2, 2, 2 2 less than equals to 5, condition true or false, condition true or true, फिर जाएगा अंदर आपका, फिर जाएगा 1 से लेके फिर स्पेस चलेगा 28 तक स्पेस है, देखो तो आपका जो 30 था वो कितना हो गया अभी, इस बार दो स्पेस कम चलेगा 28 तक, क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस सर। स्पेस माइनस 2, तो स्पेस के लिए कितना हो गया आपका 26 हो जाएगा, स्पेस आपका हो जाएगा 26। After that, k equals to 1, फिर से जो आपका k की वैल्यू कितना था, जो 2 था कितना हो गया आपका, फिर से हो जाएगा 1, k आपका हो गया 1, 1 less than or equals to 2 into i, i की वैल्यू आपका 2 है, तो 2 into 2 कितना हो गया क्लास, 4, minus 1, 3, तो ये बोल रहा है 1 less than 3,
one less than three, condition true है? True sir. Yes sir. तो यहाँ पे देखो दो स्पेस के बाद उसने क्या प्रिंट किया, एक स्पेस दो स्पेस क्या प्रिंट किया उसने, k की वैल्यू आपका है one, फिर जाएगा k plus plus, k becomes two, कि आपका हो गया आपका two, two less than or equals to three, condition is true again, फिर उसने क्या प्रिंट किया बेटा यहाँ पे ध्यान दो, दो स्पेस फिर से लेगा एक स्पेस और ये दो स्पेस लिया और क्या प्रिंट किया उसने, k की वैल्यू k आपका हो गया आपका टू, उसके बाद k प्लस प्लस अगेन, तो नाउ k बिकम्स थ्री, k बिकम्स थ्री, थ्री लेस देन और इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन इज ट्रू, फिर से k की वैल्यू प्रिंट करेगा आपके यहाँ पे दो स्पेस पहले प्रिंट करेगा तो यहाँ पे थ्री प्रिंट करेगा, k प्लस प्लस k बिकम्स फोर, फोर फोर लेस देन थ्री, कंडीशन इज फॉल्स, फिर स्लैश एन, आ रहा समझ क्या क्लास? यस सर. किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं आ रहा समझ? यस, केवल समझ नहीं आ रहा है. अब यहाँ पे ध्यान दो ना बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे के आपके ये लूप समझ नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि हम पहली बार यूज कर रहे हैं वाला टू इंटू आई माइनस वन, क्यों? बिकॉज आप देखो आई कोस टू, पहले आपका सबसे पहले आई कोस टू वन है, तो लूप कितनी बार चलेगा? टू इंटू आई, टू इंटू वन मतलब वन, टू इंटू वन मतलब टू माइनस वन, तो आपको लूप एक बार चलेगा. अगली बार जब आपके आई वैल्यू आपका टू होता है, टू होता है आई वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू टू माइनस वन, टू कितनी बार चलेगा? थ्री टाइम्स. क्लियर हो रहा है नवीन? हेलो yes. नहीं हो रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? yes, sir. उसके बाद आपका आई वैल्यू आपका थ्री होता है, सपोज आई आपका थ्री हो गया, तो क्या हो जाएगा? टू इंटू थ्री मतलब सिक्स माइनस वन, तो आपको लूप कितनी बार चलेगा? फाइव टाइम्स. ये हो जाएगा, ये क्या प्रिंट करेगा आपका? वन टू थ्री फोर फाइव. जब आई आपका फिर से फोर हो गया तो लूप कितनी बार चलेगा? टू इंटू फोर माइनस वन मतलब सेवन टाइम, तो आपको क्या प्रिंट करेगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. आई आपका जब आपका फाइव हो गया तो फाइव क्या चलेगा? टू इंटू फाइव माइनस वन नाइन टाइम लूप चलेगा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. जब आई आपका सिक्स हो गया तो क्या हो गया? कंडीशन ए पे फॉल्स हो जाएगा, तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपका एक पैटर्न प्रिंट हो गया तब तक. ठीक है नवीन? नहीं, क्या वो कॉम्पिटेंस नहीं आ रहा इसमें, प्रोग्राम नहीं आ रहा समझ? यस सर. तो इसको बना के देखो ना इस बार, क्योंकि इसमें सिंपल सा एक बार आप प्रोग्राम को पूरा रन करा के देखो, ये लॉजिक आप एक बार लगा के देखो, आप ऐसा बॉक्स बना के रन करा के देखो, आपको पूरा समझ आ जाएगा कैसे प्रिंट हो रहा है. एक एक स्पेस लेके देखो कि स्पेस कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, तो प्रोग्राम बना के देखना. और किसी को डाउट इसके अलावा? प्लस नो सर. उसके ये पैटर्न आप लोग एक बार बनाना ये प्रोग्राम में. एक सेकेंड ना, मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ, ये मैंने नोट्स में है मेरे पास, आप एक बार नोट्स रेफर कर सकते हो चाहो तो. एक साथ मैंने पैटर्न में ये पैटर्न को ट्राई करना, ये नोट्स में है मेरे पास. ये है ना नोट, किसने देखा है कि नहीं देखा है? तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो सर? ये वाले नहीं देखे थे. नो सर, नहीं देखे. नहीं देखे, तो इसको आप बना के देखना. यस सर. ठीक है, देखिए इसके बाद है आपका ये वाला पैटर्न है. सी डी ई ई डी सी डी ए के बाद हो जाएगा ए बी सी सी नहीं ए बी सी डी सी सी पी ए, ये पैटर्न हो जाएगा. उसके बाद रिपीट हो रहा है क्या ये? नहीं, ठीक है. उसके बाद ए बी सी सी
बी ए, उसके बाद है आपका पैटर्न आपका ए बी बी ए, और लास्ट पैटर्न आपका यहाँ पे हो जाएगा ए और ए। ये आप लोग बना के देखना, चलो बना के देखना ठीक है। हाँ ये बना के आप लोग ट्राई करो, और ये मुझे आप लोग खैर अभी एक सिटी के बाद आप लोग मुझे बताओगे ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये पैटर्न, ये पैटर्न आप ट्राई करोगे, ये पैटर्न आपके पास, एक और पैटर्न था मेरे पास यार, एक सेकंड बस एक होल्ड करो, शायद पैटर्न छूट रहा है मेरे से, कौन सा पैटर्न है, मैंने खास से बता दिया, मैंने बता दिया मैंने सभी पैटर्न, लास्ट पैटर्न आप लोग ट्राई करना, इसको मैं सिटी के बाद कवर करूंगा, समझ नहीं आएगा तो। क्लियर है? आपको हिंट करूं कैसे बनेगा? नो सर। आप ट्राई करो पहले। यस सर। पहले आप ट्राई करो, फिर आप डिवाइड करके बना सकते हैं। आप जैसे बनाओ, आपको लॉजिक में इतने सारे प्रोग्राम कराए हैं, आपको क्लियर होना चाहिए अभी। आप लोग अपना खुद को लॉजिक अप्लाई करो, नहीं बनेगा आई एम हियर टू हेल्प यू ठीक है। और ओके अभी होल्ड, अभी जाएंगे क्लास, लीव नहीं करेंगे ना, एक सेकंड। ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू।